खंडवा में 108 एम्बुलेंस के ने बीच बाजार में तीन लोगों को मारी टक्कर, घायलों को जिला अस्पताल में करवाया गया भर्ती। एम्बुलेंस ड्राइवर को पुलिस ने हिरासत में लिया। खंडवा में 108 एम्बुलेंस की टक्कर से तीन लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार एम्बुलेंस शहर के बॉम्बे बाजार से जिला अस्पताल की ओर जा रही थी, इसी दौरान अनियंत्रित हो गई। पहले इस एम्बुलेंस ने रोड के पास खड़े फल ठेले वाले को टक्कर मारी और फिर पास ही खड़े एक महिला और एक युवक को टक्कर मार दी। इस पूरे हादसे में कुल तीनों लोग घायल हो गए हैं। घटना के बाद बाजार में लोगों की भीड़ लग गई। वहीं सूचना पर कोतवाली थाना प्रभारी बलराम सिंह राठौड़ पुलिस कर्मियों के साथ मौके पर पहुंचे और घायल को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया। एम्बुलेंस ड्राइवर को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। वहीं मौके पर मौजूद लोगों का कहना है कि एम्बुलेंस ड्राइवर मोबाइल पर बात कर रहा था, इस दौरान एम्बुलेंस ने नियंत्रण खो दिया। फिलहाल कोतवाली थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। रिपोर्ट टीम भारती न्यूज। तो एक एम्बुलेंस वाला एक्सपर्ट वाला आया, मोबाइल पे बात करते हो, हम साइड में ही थे, एकदम अंदर लाइन के अंदर ही थे, कोई हम बाहर भी नहीं थे, और आया और एकदम खड़े हुए थे और एकदम आया और फट से मारा तो वो ठेले वाला पूरा नीचे गिर गया, माल का भी नुकसान हो गया और हमारा भी बहुत खतरनाक नुकसान हुआ और भाभी वाभी को भी लगी, सबको लगी, गई टोटल दो लोग हुए सर और नुकसान भी बहुत खतरनाक हुआ हमारा। कितने क्या ठेले वाले तो हम ठेले वाले दो लोग थे, ये मैं था और एक वो था, उसका भी नुकसान हुआ, मेरा भी नुकसान हुआ, उसका तो बहुत ज्यादा ही हुआ। क्या बेच रहे थे? पूरा वो अनार और अंगूर बेच रहा था, मैं सिंगल चीकू बेच रहा था, पूरा खराब हो गया, पूरा खराब हो गया कुछ कला लोग पब्लिक ने लाद करो थे, चीज भी उठाने वाले भी काम कर लिया। अभी कुछ समय पहले जब 108 एम्बुलेंस वहाँ से गुजर रही थी तो वहाँ से जाते वक्त एक्सीडेंट होना पता चला था, मैं भी जस्ट पीछे ही था, एक्सीडेंट हुआ देखा तो इस घटना में जो है एक फ्रूट वाला इमरान करके लड़का है वो घायल है और एक गंगराड़े परिवार के हैं एक महिला और एक पुरुष गौरव गंगराड़े, इस प्रकार तीन लोग घायल थे, उन तीनों को ही हम तत्काल उठा करके हॉस्पिटल इलाज के लिए उन्हें भर्ती कराया गया और एम्बुलेंस और चालक को रिक्शा में लेकर कोतवाली ले जाया गया। जैसे ही वहाँ पर भीड़ थी तो घायलों को लेकर मैं हॉस्पिटल पहुँचा हूँ और जो घायलों के स्टेटमेंट लेंगे जैसा बताएंगे उस प्रकार से उसमें वैधानिक कार्रवाई करते हुए और आगे अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सब्सक्राइब नाउ टू मोस्ट एक्साइटिंग चैनल एवर।